नमस्कार मित्रों, मात्र दो जायफल आपकी किस्मत बदल सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। जायफल मित्र के भांति हमेशा हमारे मदद करते हैं और तंत्र शास्त्र में इसका प्रयोग बहुत ही ज्यादा होता है और अधिकतर हम जो इसे घर में मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं। मित्रों, ये जो संसार है ना, ये चमत्कारों से भरा हुआ है। जो संसार है ना, ये देवी देवताओं के शक्तियों से भरा हुआ है। देवी देवता ने माना जाति के लिए ऐसे ऐसे चमत्कारिक चीजों की रचना की है जिसका प्रयोग करके हम अपने दुख तकलीफ को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। बस इनके जानकारी ना होने की वजह से, जानकारी के अभाव में हम इनके मिलने वाले फायदा के बारे में अनजान रहते हैं। जो जायफल होता है वैसे प्रायः हर किसी के घर में मिल जाते हैं। जायफल का ऐसे ऐसे चमत्कारिक टोटके हैं जिसे जान करके आप चौंक जाएंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। जैसे कि किसी का व्यापार स्थल पर अगर कोई भी व्यक्ति एक जोड़ी जायफल और हल्दी की जो टीका होती है उसमें लगा करके रख देते हैं तो व्यापार जो है तेजी से चलने लगते हैं। जो जायफल होता है इसमें चमत्कारिक शक्तियां पाई जाती हैं। अगर कोई भी व्यक्ति सोते समय सिरहाने पर जायफल रखते हैं तो तंत्र बाधा, भूत प्रेत बाधा ये अपने अंदर में खींच करके समाहित कर लेता है। फिर इस प्रकार के जायफल को बहते नदी में बहा देना चाहिए। इसे आप तंत्र बाधा से तत्काल मुक्ति पा सकते हैं। किसी को भूत वगैरह चढ़ते हैं वह चढ़ना बंद हो जाते हैं। और भी इसके अनगिनत चमत्कारिक फायदे इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। इससे पहले आप सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल में इस प्रकार की अच्छे अच्छे जानकारी आप सभी दर्शकों को सिखाई जाए। जायफल और जावित्री ये दोनों को पीतल के लोटे में भर करके बरगद वृक्ष के जड़ के अंदर में गाड़ करके आ जाने से बरगद वृक्ष में रहने वाले अदृश्य शक्ति हमारे जल्द ही मनोकामना की पूर्ति होती। जिस भी मनोकामना के उद्देश्य के लिए जायफल और जावित्री को पीतल के लोटे में भरते हैं और जो बरगद वृक्ष के नीचे में गाड़ करके आ जाते हैं तो वह मनोकामना निश्चित रूप से बरगद वृक्ष में रहने वाले अदृश्य शक्ति हमारे जल्द पूरी करती है। फल को घिस करके तिलक करने से ये वशीकरण का काम करता है। किसी को वशीकरण करना हो तो घिस करके इसका तिलक नित्य लगाया करें। जायफल और हल्दी की गांठ को माला बना करके गौ माता को पहनाने से हमें रोगों से मुक्ति मिलती है। किसी का ज्यादा कर्जे का भार हो गया और कर्ज छुटाने में असमर्थ हो रहे, ऐसे व्यक्ति गौ माता को पहना देते हैं तो कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। तुलसी के जड़ के अंदर 24 घंटे के लिए जो जायफल होता है इसे दबा दें, फिर इसे धो करके 24 घंटे के बाद इसे धो करके हमेशा अगर आप अपने पास में रखते हैं तो जहां भी आप कदम रखते हैं वहां पे आपको तरक्की मिलता है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। तो मित्रों, जो जायफल होता है ना, आज की वीडियो में जानेंगे कितना हमारे लिए उपयोगी, हमारे लिए कितना ये महत्वपूर्ण साबित होते हैं। आशा करता हूँ छोटे से जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।